कल से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। केंद्र के नोटबंदी के फैसले को लेकर घमासान के आसार। संसद के शीत सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा संसद में चुनाव फंडिंग को लेकर भी होनी चाहिए चर्चा। पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में, पब्लिक फंडिंग के बारे में, वो पॉलिटिकल फंडिंग वो कैसे पारदर्शी हो, सभी पार्टियां एकजुट होकर के पहल करें। नोटबंदी को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी। सरकार की सर्वदलीय बैठक से पहले विपक्ष ने की बैठक। कई पार्टियों ने आम लोगों की परेशानी पर चर्चा के लिए दिया है नोटिस। कांग्रेस बोली इस बार नहीं टूटेगी विपक्ष की एकता। जी होगी, चाहे कितना भी प्रयास सरकार अपोजिशन यूनिटी तोड़ने का प्रयास करे, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। आम आदमी की परेशानी को लेकर कल राष्ट्रपति से मिलेंगी ममता बनर्जी। कहा लोगों पर इस तरह के फैसले नहीं थोप सकती सरकार। राष्ट्रपति भवन तक विपक्षी पार्टियों के साथ मार्च करना चाहती थी ममता बनर्जी, लेकिन दूसरी पार्टियों ने सत्र के पहले दिन होने का दिया हवाला। उन मुद्दों को हम लोकसभा और राज्यसभा में उठाएंगे और उन पर चर्चा करें। कांग्रेस पर अमित शाह का जोरदार हमला। कहा यूपीए सरकार के दौरान पार्टी ने जमा किए 12 लाख करोड़ काला धन। पीएम ने एक ही फैसले में बना दिया पूरा। मोदी जी 8वीं तारीख है नोटबंदी करी बधे बधु पस्ती करी गाड़ी। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में केजरीवाल का केंद्र पर हमला। नोटबंदी के फैसले को वापस लिए जाने की मांग की। केंद्र सरकार पर केजरीवाल का बड़ा आरोप। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में बोले एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए फैसला लिया गया। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी आप अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने दोस्तों के प्रधानमंत्री हैं, आप काला धन वालों के प्रधानमंत्री हैं, आप गरीबों के दुश्मन हैं। केजरीवाल ने नोटबंदी के फैसले को बताया घोटाला। कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में होनी चाहिए जांच। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में केजरीवाल ने उठाया माल्या का मुद्दा। बोले 8,000 करोड़ रुपए देकर मोदी सरकार ने भगाया। केजरीवाल ने विधानसभा में बेंगलुरु में हुई जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी का मुद्दा भी उठाया। पूछा कहां से खर्च किए 500 करोड़ रुपए। केंद्र के फैसले को लेकर केजरीवाल ने बुलाया था विधानसभा का विशेष सत्र। नोटबंदी के खिलाफ सदन में प्रस्ताव रखा। हंगामेदार रहा दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने लगाए मोदी हाय हाय के नारे। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों का भी बवाल। केजरीवाल के भाषण के दौरान हंगामा किया। विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। लेफ्ट ने 31 दिसंबर तक पुराने नोटों के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। सीताराम येचुरी बोले सही कामों के लिए हो पुराने नोटों का इस्तेमाल। मुंबई में रक्षा मंत्री ने नोटबंदी के फैसले को लेकर की प्रधानमंत्री की तारीफ। कहा अब कश्मीर में 500 लेकर नहीं होगी पत्थरबाजी। पीएम की मां हीराबेन ने गांधीनगर के बैंक में बदलवाए 4,500 रुपए के नोट। हाथों में थे 500 के पुराने नोट। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में पीएम की मां ने चेंज करवाए पुराने नोट। प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ पहुंची। पुराने नोटों के बदले पीएम मोदी की मां को बैंक ने दी 10 रुपए के नोटों की गड्डी। साथ ही दिया 100 और 2,000 रुपए का नोट। नहीं वो काहे को गई, अगर मां का अकाउंट नहीं था वो काहे को गई। हाँ नहीं कि ऐसा है ना, देखो ऐसा कभी भी होता है, मां कभी कभी डर जाती है कि बेटा अकेला ना कहीं हो जाए। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर किया वार। ट्वीट में लिखा राजनीति के लिए मां को लाइन में लगाया, मैं कभी ऐसा नहीं करता, खुद लाइन में लगता। लोगों की परेशानी कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। बैंक से कैश बदलने वालों को पहचान के लिए उंगली पर लगाया जाएगा इंक। जनधन योजना से जुड़े खाताधारकों को सरकार ने किया आगाह। काले धन का लालच देने वालों से बचने की सलाह।
केंद्र सरकार ने साफ की जनधन के खाते की सीमा। आर्थिक मामलों के सचिव ने कहा जमा करा सकेंगे सिर्फ 50,000 रुपए। नए नोटों पर से रंग छूटने को लेकर केंद्र सरकार की सफाई। आर्थिक मामलों के सचिव ने कहा असली नोटों से ही हटती है स्याही। नया 100 रुपया नोट लेके देख लीजिए और उसमें भी एक छोटा सा कॉटन पीस लेके अगर जोर से उसको ऊपर रब करेंगे उसमें भी से भी थोड़ा सा इंक, तो थोड़ा इंक उसमें से निकलेगा। उसका कारण ये है कि वो इंटाग्लियो पेंट जो है उसका वो नेचर वही है। अगर वो नहीं निकल रहा है तो वो फेक करेंसी का एक साइन है। जिला सहकारी बैंकों की शाखाओं में नहीं बदले जाएंगे पुराने नोट। शिकायत मिलने के बाद आरबीआई ने लगाई पाबंदी। नेपाल में जमा 500 और 1000 के नोट नहीं बदलेगा आरबीआई। नेपाल राष्ट्र बैंक को दी गई जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नोटबंदी से लोगों को हो रही है परेशानी लेकिन केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। लोगों की परेशानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। कहा उपायों पर दाखिल करें हलफनामा। 25 नवंबर को अगली सुनवाई। अखिलेश यादव का बड़ा फैसला। यूपी में 24 नवंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोटों से भी जमीन घर की रजिस्ट्री पर मुहर।